वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के एक मॉक टेस्ट के। इसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप उन सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखें। और आपने आज एक बात गौर करी बच्चों, वो ये प्लांट, छोटा सा पौधा। आप आज के इस मॉक टेस्ट को इस छोटे से पौधे से कनेक्ट करना, रिलेट करना, जॉइंट करना। या मैं बच्चों आपसे ये कहूं कि मॉक टेस्ट एक छोटे से पौधे के समान है। इसको मैंने अपने दिमाग रूपी जमीन पर रोपना है या इसको अपनी जमीन पर लगाना है। हमारी भूमि कितनी बंजर है, कितनी फर्टाइल है, कितनी इनफर्टाइल है, मतलब कितनी उपजाऊ है, कितनी अनउपजाऊ है, ये आप खुद अपने आप को अच्छे से जानते होंगे। मैं मॉक टेस्ट सबको सॉल्व कराऊंगा, 25 के 25 क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उसके बाद आप इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को कितना टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, वक्त आने पर इसका आप इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी भूमि को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। मतलब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने एग्जाम से पहले तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, बट एग्जाम में आप क्या हो गए, घबरा गए। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन काफी टिपिकल आ गया और उसका जो स्ट्रेस था पहले क्वेश्चन का, वो अगले क्वेश्चन पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो एग्जाम देना आसान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तैयारी के साथ अगर आप जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, प्योर कॉन्फिडेंस, सही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक जेन्युइन जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर आप उसके साथ एग्जाम देने जाएंगे, तो ये जो छोटा सा पौधा है, ये जो छोटा सा मॉक टेस्ट है, आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे इस टाइप के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ग्रामर के रूल आप लिखिए, ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बेसिक रूल होते हैं, एसएससी ज्यादा टिपिकल आपका एग्जाम नहीं बनाता इंग्लिश सेक्शन का। बैंक पीओ की इंग्लिश में और एसएससी की इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। बैंक पीओ की इंग्लिश काफी टिपिकल आती है, काफी कठिन आती है, बट एसएससी गिनी चुने रूल आपसे पूछना चाहता है। अगर आपको आते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, अगर नहीं आते तो फिर आप समझ जा रहे हैं आगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। तो आपको इसी तरह से मैं एक छोटा सा मॉक टेस्ट दूंगा, उसको आप कितनी ईमानदारी से संभाल के रखते हैं, उस पौधे को आप किस तरह से पानी देते हैं, कितनी खाद देते हैं, सही समय पर उसकी आप देख रेख करते हैं या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है बच्चों आपके ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो एक नोटबुक और पेन अपने पास में रख लें। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो प्लीज 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 स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, इसमें काफी सारे रूल आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन, जैसे एग्जाम का ऑरा होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इस मॉक टेस्ट में रखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये आज का मॉक टेस्ट पसंद आएगा। अगर मॉक टेस्ट पसंद आए तो छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो सब आप वीडियो के एंड में करना, अंत में करना, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ते हैं ना, आप इस तरह से पढ़िए कि हाँ यार, मुझे एग्जाम को क्रैक करना है। एक गोल सेट कर लीजिए, ये छोटा सा जो पौधा है, जब ये पेड़ बन जाएगा, मतलब आपकी जो नॉलेज जो है, नॉलेज छोटी छोटी नॉलेज इकट्ठी इकट्ठी करके आप अपने माइंड में एक नॉलेज बैंक तैयार कर लेंगे, एक बड़ा सा पेड़ तैयार कर लेंगे, किस चीज का, ज्ञान का। और उस पेड़ के साथ, उस ज्ञान के साथ अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो डैम श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। और ये आप भी जानते हैं, डैम श्योर मैं नहीं, डैम श्योर तो आप भी हो जाएंगे, लेकिन आप शुरुआत तो करें। एक वीडियो देख करके बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी हम लोग, 15-20 मिनट देखा वीडियो, फिर बाद में क्लोज कर दिया। अरे भाई, एग्जाम क्रैक करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी दिल्ली जाके देखो कितना कंपटीशन है, आपको चल जाएगा पता। नेट पे, गूगल पे सर्च मारो, आपने जो भी फॉर्म भर रखा है SSC CGL का या LDC का या फिर MTS का भरोगे आप, ठीक है, उसमें देखिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, पढ़ने वाले उसमें से कमी होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले ही एग्जाम क्रैक करते हैं। इसलिए बी केयरफुल, काफी ध्यान से, सावधानी से अपनी स्टडी करिए, टाइम निकालिए। जो फालतू काम आपको लगते हैं कि ठीक है मैं डिले कर सकता हूँ,
जो काम जरूरी अभी नहीं है तो उसको आप बिल्कुल फ्रेंकली बोल दीजिए कि ये मैं काम अभी नहीं कर सकता, बाद में कर लूंगा, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो बच्चों ठीक है, बातें बहुत अधिक हुई, प्रवचन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बच्चे भी कमेंट में कुछ बच्चे कहते हैं कि आप प्रवचन बहुत देते हो। मैं प्रवचन अब मैंने काफी टाइम से बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी बच्चों को स्टेप से बताना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि इसमें आपका क्या होगा, एग्जाम में आपको सेम इसी पैटर्न पे पहला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपके चार ऑप्शन होंगे। वो पूछेगा इन चार ऑप्शन में से एक सही स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, देखिए बच्चों, वियर्ड, इसको बोलते हैं वियर्ड। देखो वियर्ड की जो स्पेलिंग होती है, ए या सी किसी एक में बच्चों को डाउट हो सकता है, बी और डी किसी साइंस में हमको लगता नहीं कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना बच्चों, पहले तो हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग इसका एग्जैक्ट है क्या, मतलब कि वोकैब भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से इसको जज कर सकते हैं कि हाँ इसकी राइट स्पेलिंग क्या है। देखिए वियर्ड का मतलब होता है काफी अजीबो गरीब दिखने वाला, काफी वियर्ड थिंग है, जैसे कुछ आदमी होते हैं काफी अजीबो गरीब से दिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा हैरी पॉटर, डम्बलडोर, या फिर कोई ऐसा आपने डॉगी देखा, इसको पग बोलते हैं, पग डॉगी जो होता है अलग डॉगियों से काफी अलग दिखता है, अजीब सा दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वियर्ड। ठीक है, इस तरह से आप लोग वर्डों को याद करेंगे। और किसी भी वर्ड को बच्चों याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि निमोनिक मेथड, निमोनिक मेथड की राजेश्वरी पब्लिकेशन के नाम से इसमें प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए, उसमें वॉच करिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक एक वर्ड को लाइफ के रियल एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके हमने काफ़ी सारे वर्ड अब तक याद करे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो यू कैन गो, आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं, बट अभी नहीं, वीडियो के एंड में। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो होगा सी, वियर्ड, WEIRD, वियर्ड, ये सी, सी इसका क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा, सही स्पेलिंग जो होगी वो होगी सी, वियर्ड, WEIRD, वियर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा ध्यान से, और रात को सोने से पहले इसको रिवाइज करना। ठीक है, और पूरी ईमानदारी बरतेंगे तो आपका डैम श्योर आपका नंबर जरूर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी हमको अगेन एक सही स्पेलिंग चूज करनी है, सही स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, देखो इसमें क्या होती है, क्वेश्चन नंबर जो टू दिया गया है, एकोमोडेट, एकोमोडेट, तो इसका मीनिंग मैक्सिमम बच्चों को पता होगा क्या होता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो बच्चों जो एकोमोडेशंस होता है उसको होता है रहने की जगह, और जो एकोमोडेट होता है किसी को एडजस्ट करना, ये जो हमारा एकोमोडेट है ठीक है उसको बोलते हैं एडजस्ट करना। जैसे कुछ समय के लिए आपके पड़ोस के यहाँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा मेहमान आ गए, और वो कह रहा है कि आपके पास जो एक रूम एक्स्ट्रा है तो मेरे जो गेस्ट हैं वो आपके रूम में आ सकते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेट। ठीक है, तो वो हमसे इसकी सही स्पेलिंग पूछ रहा है क्या होती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसको याद करने की ट्रिक है, इसमें जो डबल बार तो सी आता है और डबल बार ही एम आता है, तो डबल सी डबल एम कहाँ पर है, बी पार्ट में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। बच्चों एग्जाम में आपसे कर्नल ठीक है और सिगरेट, कुछ सिलेक्टेड कुछ वर्ड होते हैं करेक्ट स्पेलिंग के लिए पूछता है, तो आप उन सबको याद करिएगा। इसको लेके मैंने एक वीडियो बना रखी, सेम इसी ऑरा में आपको 5-6 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, रूल को फॉलो कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगेन वो हमसे पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, हैंडकरचीफ। देखिए हैंडकरचीफ को कुछ बच्चे जो होता है वो हैंकी से कनेक्ट कर सकते हैं, हैंकी मतलब रुमाल से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हैंडकरचीफ की जो राइट स्पेलिंग होती है मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए पार्ट टू आ गया यहाँ पर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ लोग आइटम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसमें बोला गया है शॉट इन द आर्म, ये प्रकार का बूस्टर होता है बच्चों। ठीक है,
जो आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं मंदिर में जाते हैं, जब आप बहुत टेंस होते हैं, परेशान होते हैं, लाइफ की कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जहाँ पे हम लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, काफी अकेला, काफी तनाव फील करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने घर के मंदिर के आगे कुछ टाइम के लिए शांति से बैठ जाते हैं। तो वो जो काम करता है, वो करता है काम बूस्टर का। वो टेम्पल तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी, पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर फील कर रहा है। आप कहीं बाहर मंदिर जाइए, वहां देखिए आप, वहां पे आपको बड़ी शांति मिलती है। मंदिर घर के हो, बाहर के हो, दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन बाहर जाके जब लोगों को देखते हैं कितनी सेवा कर रहे हैं, मंदिर में जाके कितने मतलब लगन से, मतलब भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो जो फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है, उसको बोलते हैं बूस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बच्चों राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा बूस्टर। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर होगा। ब्लफ, ब्लफ का मतलब होता है धोखेबाज। आपने देखा होगा ब्लफ मास्टर, अभिषेक की मूवी एक आई थी, उसमें वो क्या होता है, वो चीट करता है सब लोगों को, तो ब्लफ का मतलब होता है चीटर। अटैक बाय फ्रेंड कॉमन है, हार्मफुल इंजरी बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो मेन जो है इसका राइट आंसर आइडल्स एंड फ्रेजी जो होगा, शॉट इन द आर्म, इसका राइट आंसर होगा बूस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाई एज ए काइट। हाई एज ए काइट, तो बच्चों इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक्चुअली आसमान में उड़ना। काइट क्या होती है, काइट काफी ऊंचाई पे अगर उड़ रही हो तो वो क्या होगी, आसमान में उड़ेगी। ठीक है, और ये जो साइंस दे रहा है बच्चों यहाँ पर, इसको बोलते हैं कि जब कोई इंसान आसमान में उड़ता है, उड़ने का एक तो होता है कि जर्मन तरीके से उड़ रहा हो, मेहनत पे अपने खड़ा हुआ हो, उसके बाद में आसमान में उड़ रहा हो। ठीक है, तो वो केस अलग होता है, और एक होता है कि थोसा चने भाजे बाजे घना, एक मुहावरा है ना, तो मतलब कि ड्रिंक करने के बाद में कुछ लोग जरूर से ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, ऐसे हो, मैं उसको देख लूंगा, तो मतलब कि दिमागी संतुलन खोने के बाद जो आसमान में उड़ता है, मतलब दकिया नुसी बातें करता है, होता कुछ नहीं है, बनता बहुत कुछ है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाई एज ए काइट। काइट कैसे होती है, आसमान में उड़ती तो है, लेकिन आसमान में उड़ते उड़ते उसकी लाइफ भी क्या होगी, एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। इसे एक डर है कहीं ना कहीं, बारिश होने का, तूफान आने का, जो कागज की पतंग है वो फट जाएगी। मतलब ये उड़ान भर तो रही है पतंग, लेकिन काफी खोखली उड़ान भर रही है इस समय। ठीक है, तो ड्रंक करने वाला इंसान जो उड़ान भरता है, वो क्या भरता है, काफी खोखली उड़ान भरता है। तो बच्चों आप इस तरह से इसको याद करेंगे, काफी प्यारा एग्जाम्पल था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप प्लीज से नोट करिएगा ध्यान से और रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, चार ऑप्शन अगेन देगा आपको, रेयरली, एट वंस, अनएक्सपेक्टेड एंड सडनली। देखिए इसका मीनिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एट वंस। एट वंस का मतलब होता है कि एक बार में, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो एक्सेप्ट ना करा गया एक तरह से। ठीक है, सडनली का मतलब होता है अचानक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो होगा सी, अनएक्सपेक्टेड। मतलब आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कभी कभार, ये होता है एक बार, एट वंस होता है एक बार, और ये होता है कभी कभी, तो इसको आप रेयरली से कनेक्ट मत करना, ये होता है अनएक्सपेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो होगा सी। इसी तरह से आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तैयारी करके जाएंगे तो डर बिल्कुल नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेंड करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन आर्म एंड ए लैग। एन आर्म एंड ए लैग, बच्चों ये इडियम फ्रेजेस मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो करा था, इडियम्स फ्रेजेस का पार्ट 1, उसमें ये इडियम्स मैंने आपको करवाया था। ये इडियम्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं अगेन आपसे बोलूंगा, राइट डाउन कर लेना, पेन डाउन कर लेना, लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना। एग्जाम में जाते हो तो कम से कम पूरी तैयारी के साथ जाओ। एग्जाम को लेकर के मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, एग्जाम एक जंगल के समान है, अगर शिकार एक छोटे से खरगोश का भी करना, तो हथियार कम से कम एक शेर के लेके चलो, ना जाने कब किस शेर से मुलाकात हो जाता। तो आगे तक की जो है प्लानिंग आप करके चलिए, बिल्कुल लेवल अपना डाउन करके मत जाइए, पढ़ाओ आप कुछ करके, ना जाए एग्जाम में खाली हाथ, आप पहुंच जाए एग्जाम में खाली दिमाग, आप बैठेंगे 2-2.5 घंटे आप बर्बाद करेंगे वहां पर अपने, और वापस आ जाएंगे। अब टाइम वैसे भी कम हो गया, एग्जाम ऑनलाइन हो गया, तो फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों आर्म एंड लैग,
इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपके जो आर्म है और जो लेग है, अगर वो मैं आपसे मांग लूं तो ये आपकी बॉडी का काफी क्या है, एक्सपेंसिव पार्ट है, आप नहीं दोगे। ये काफी एक्सपेंसिव पार्ट है, आप नहीं दोगे, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव। अगर आपके पैर अगर मैं आपसे मांग लूं, वैसे मैं ऐसा नहीं करूंगा बच्चों, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, या आप मुझसे मेरे पैर मांग लो, आप मुझसे मेरा कंधा मांग लो, मैं नहीं दूंगा। बिना कंधे और बिना पैर के मेरा शरीर क्या है, अपंग हो जाएगा, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, सी, एक्सपेंसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, डोंट गिव अप द डे जॉब। चार ऑप्शन अगेन, ए बी सी डी। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है, लेकिन इसमें आपका कॉमन सेंस यूज बिल्कुल नहीं हो पाएगा। डोंट गिव अप द डे जॉब, देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जिस काम को जॉब, मतलब कोई भी काम कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है ना, वो उसके लिए सुटेबल ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी क्या कर रहा है तू, मतलब पीजी करने के बाद में तू मतलब यहाँ पे मतलब बजे चल रहा है, मतलब कि एक अगर व्यक्ति है काफी पढ़ा लिखा है, सीए कंप्लीट कर चुका है अपने, उसके बाद में वो एक छोटी सी दुकान में, परचून की दुकान में अपने पापा के साथ काम करा रहा है, उसने उसको अपना लाइफ पूरा कैरियर मान लिया एक तरह से, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, या सीए करने के बाद में तो दुकान में बैठे पापा के, काम काम होता है, लेकिन थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कि इतना क्वालिफाइड पर्सन इस छोटे से काम को कर रहा है, जिस काम को एक पांचवी पास या एक आठवीं पास भी बंदा कर सकता है। तो इसका मीनिंग फिर यही हुआ, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, डोंट गिव अप द डे जॉब। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो होगा सी, नॉट गुड एट समथिंग, कुछ सही ना होना, उसके साथ कुछ सही नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी जो उसकी पोजीशन थी, जो उसकी क्वालिफिकेशन थी, जो उसने अकेडमी में रैंक हासिल करी थी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर स्टेट में अपनी, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पाई, ठीक है, तो नॉट गुड एट समथिंग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं कि बहुत कुछ हाथ पांव मारने के बाद में भी कुछ ना मिलना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोचियल, या फिर आप इसे रीड कर सकते हैं प्रोकियल या पैरोकियल, ठीक है, तो ये PAR है, तो इसको आप पैरोकियल पढ़ेंगे, ठीक है। चार ऑप्शन इसमें हमको इसने अगेन दिए हैं, तो इसको बोलते हैं नैरो माइंडेड, ठीक है, संकुचित सोच वाला, छोटी सोच वाला। जैसे कुछ लोग होते हैं कि काफी दकियानूसी बातें करते हैं, अगर किसी गर्ल्स ने जीन्स पहन रखी है तो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है गर्ल्स को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, टॉप नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, थोड़ा संभल के चलना चाहिए, 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, तो ऐसी सोच वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी संकुचित सोच होती है उनकी। गांव जैसे एरियो में अभी भी क्या करते हैं कि छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर देते हैं, मतलब बाल विवाह निषेध है, अब बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी काफी स्टेट ऐसे हैं यहाँ पे 14 ईयर में बच्चों का विवाह हो रहा है, तो उनको नहीं पता कुछ भी, लेकिन फिर भी उनका विवाह हो रहा है। तो ऐसी सोच वाले क्या होते हैं, संकुचित सोच वाले होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरोकियल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये पूछ रहा है हमसे सिनोनिमस, तो आप इस पे फोकस करना हर बार, जब भी आप एग्जाम में ऑनलाइन बैठेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप ऊपर जरूर गौर करना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो ऊपर फोकस नहीं करते। सिनोनिमस हमने एक बार देख लिया, आगे के 4 क्वेश्चंस हम सिमिलर वर्ड सिनोनिमस समझ करके हम लोग अटेंड करके आ जाते हैं, जिसमें से अचानक से 2 क्वेश्चंस के बाद एंटोनिमस हमारा पूछने लगता है वो एग्जाम में, ठीक है। बच्चे ऐसी गलती करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे ना अपना, तो वो ऐसी गलती करेंगे, पहले ऊपर रीड करिए हमसे पूछा क्या, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। तो आप मानिए कि आपने 4 क्वेश्चन अटेंड करे, 4 क्वेश्चन आपने सिमिलर वर्ड के हिसाब से सेलेक्ट करके आप आ गए, ठीक है। अब आपको लग गया कि आपका एग्जाम काफी अच्छा गया है, लेकिन वहां पे आपके 2 नंबर नेगेटिव में चले गए, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलती करें। इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, पैरोकियल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, डी बंक, ठीक
है, इसको आप बंक से मत जोड़ना प्लीज। बंक का जो मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे, बंक का मतलब स्कूल से थोड़ी सी टाइम के लिए कहीं बाहर चले जाना, घूमना फिरना तफरी करना, तो उसको बोलते हैं बंक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिबंक है, डिबंक का मतलब होता है राज खोलना, राज खोलना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी, डी फॉर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, एक्सपोज। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, और फॉरबिड का जो मतलब होता है, फॉरबिड का मतलब होता है करने से रोकना, और ये जो ऑप्शन सी है इसका जो मीनिंग होगा वो होगा इन्फो को फैलाना, मतलब इन्फॉर्मेशन को यहाँ वहां जाके पास कर देना, ये सूचना को यहाँ वहां फैलाना। लेकिन राइट आंसर इसका जो होगा बच्चों, सिमिलर वर्ड हमसे कह रहा है, हमसे सिनोनिमस पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी, एक्सपोज। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम बच्चों पढ़ेंगे पैल्पेबल, पैल्पेबल, ठीक है। ये एक्चुअली पैलेटेबल से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, बट देखिए यहाँ पे ऑप्शंस डी जो है ना, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई डिलीशियस पार्टी या किसी टेस्टी चीज के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग पैलेटेबल का, ठीक है। और एडामेंट जो होता है वो होता है जिद्दी, ठीक है। और आप लिखिए कॉर्डिनल जो होता है वो होता है बेसिक, होता है कॉर्डिनल का मतलब बेसिक। तो उसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कॉन्स्पिशियस, बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ पैल्पेबल। तो अब बात आती है कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, इसका हिंदी में मीनिंग होता है जिसको हम आसानी से नोटिस कर सकें, जिसको हम आसानी से देख सकें, जज कर सकें, ठीक है। जो नोटिसेबल हो उसको बोलते हैं पल्पेबल या पैल्पेबल या कॉन्सिपेसियस। सिनोनिमस पूछ रहा है हमसे, अगेन मैं आपको फोकस करूंगा, सिनोनिमस की बात कर रहा है ये, सिमिलर वर्ड की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। अब बात कर रहा है अपोजिट वर्ड, क्योंकि हम एग्जाम में इस तरह से बैठते हैं, हम नेक्स्ट पे इस तरह से क्लिक कर देंगे, हमारा फोकस ऊपर नहीं जाता है, एंटोनिमस में हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। वो हमसे पहले सिनोनिमस पूछेगा, उसके बाद एंटोनिमस। तो आप मेरी बातों को शायद समझ रहे होंगे, अब मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, तो प्लीज बी फोकस, ध्यान से एग्जाम देना, डरने की आवश्यकता कुछ नहीं है, तैयारी करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। अगला क्या है हमारे पास बच्चों? म्यूटिलेट। चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है बिगाड़ना। कल्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, समाप्ति करना, ठीक है, ये कल्मिनेट ऑप्शन जो डी है। और आपका जो होता है डेसीमेट, डेसीमेट ऑप्शन जो ये बी दे रखा है, यहाँ फोकस करिए आप बच्चों, डेसीमेट, डेसीमेट का जो मतलब होता है वो होता है डिस्ट्रॉय करना। और अगला जो है ऑप्शन ए, रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब होता है वापस आना, जैसे हम बोलते हैं कि वो रिवर्स आ गया, वो रिवर्ट आ गया, रिवर्स का मतलब क्या होता है? वापस आना, रिवर्ट, रिवर्स से बना है, ठीक है। और मैंड का मतलब होता है सुधारना। अगर म्यूटिलेट का मतलब बिगाड़ना होता है, तो सुधारना क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा, तो अपोजिट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, या मैंड इज द एंटोनिमस अपोजिट वर्ड ऑफ म्यूटिलेट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, हारमनी। हारमनी का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, नोट करिए। देखिए बच्चों, जो हारमनी का जो मतलब होता है वो होता है मीठे संबंध, मतलब मधुर संबंध। इसको हम लोग बोलते हैं दोनों के विचार आपस में क्या हो, एग्री कर रहे हो, ठीक है। जैसे दो दोस्त होते हैं, दोनों को, दोनों के विचार मिलते हैं तभी वो एक दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं। जब उनके विचार आपस में नहीं मिलते वो क्या होते हैं? आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं, अपोजिट हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का जो मतलब होता है वो होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है। रिकंसिलेशंस का मतलब जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सेटलमेंट। और पैम्पर का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं उसे बोलते हैं पैम्पर करना बच्चों को।
अगला है हमारा रेपरकशंस। रेपरकशंस का मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट। तो ये जो सेंस होता है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता तो वो क्या होता है, वहां पे हम लोग ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। रेपरकशंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है स्ट्राइफ होता है डिस एग्रीमेंट। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा हार्मनी का वो होगा बिल्कुल जो आपस में एग्री ना करते हैं दूसरे से, उसे बोलते हैं स्ट्राइफ। इसका मतलब होता है एग्री, ठीक है, मधुर संबंध। इसका मतलब होता है इसका अपोजिट, ठीक है ना, इसका मतलब आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये वर्डों को याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज देखिए इसका मतलब होता है कि, इसका मैं आपको पहले बताऊंगा हिंदी मीनिंग क्या होता है ऑस्ट्रासाइज का। ऑस्ट्रासाइज का जो बच्चों हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी व्यक्ति को समाज से निकाल देना, किसी व्यक्ति को समाज से निकाल देना। रीजन कुछ भी हो सकता है। वेलकम का मतलब स्वागत करना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकालने से संबंध है किसी व्यक्ति का तो उसका वेलकम क्या होगा, स्वागत होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वेलकम। बाकी ऑप्शन ज्यादा कुछ खास नहीं है, वही डेविड एवर्जन टॉर्चर है बोर। तो आपको राइट आंसर जो एंटोनिम्स निकालना है ऑस्ट्रेसाइज का वो निकालना है वेलकम से। अब आगे बात स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर को लेकर के भी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वही सेम रिपीट हो रहे हैं अगेन। अगर आपने वो रूल देख रखे हैं, ध्यान से वीडियो देखे हुए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट अटेंड करिए, मतलब आप खुद करके देखिए इसको, मैं आपको बता रहा हूँ इसका। आप इस वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, मैं अभी इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा और अपने आंसर मेरे आंसर से टैली करना क्या रहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कह रहा है कि इसको बोलते हैं कैलर्जी, ठीक है ना, कैलर्जी। द कैलर्जी इज इन द चर्च। देखिए जो ये कैलर्जी है हमारे पास, ठीक है ना, कैलर्जी जो होता है एक ग्रुप होता है, जो क्रिश्चियन जो होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं उसके मेंबर्स का जो पूरा ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं कैलर्जी। ठीक है, और ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप के लिए हम लोग इज का यूज करते हैं या फिर हम लोग आर का यूज करते हैं, मुझे ये बताइए। यहाँ पे जो एरर है वो है बी पार्ट में, यहाँ पे इस की जगह पर क्या लगेगा, आर। बच्चों एसएससी के एग्जाम में इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस आपको दे रहा है, अगर आपके पास कोई एरर नहीं मिल रहा आपको तो आप लगा के आएंगे नो एरर, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई एरर नहीं है तो। ठीक है, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन देता है, एसएससी में आपको 4 ऑप्शन देता है, यहीं पे क्वेश्चंस की लेंथ छोटी हो गई, कम हो गई आपके एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, और जो बैंकिंग के होते हैं उसमें दो दो लाइन के सेंटेंस होते हैं, तीन तीन लाइन के सेंटेंस होते हैं, कभी कभी एसएससी में पूछा जाता है जब लगे कि ठीक है। हाँ, जैसे एसएससी का लेवल होता है सीजल टायर टू का, वहां पे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक्चुअली देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो अब पेपर भी जो सेट हो रहे हैं, जो पेपर डिजाइन होते हैं वो अब थोड़े से टिपिकल लेवल के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके जानी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सीरियस तरीके से पढ़ लीजिए। द कैलर्जी, कैलर्जी ग्रुप, ग्रुप के साथ जो इज लगाया है इसके जगह पे होगा आर। ठीक है, ग्रुप के साथ कभी भी हम लोग इस का यूज नहीं करते, हम हमेशा बहुवचन मतलब आर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज पार्ट ए में कह रहा है इट इज नॉट गुड टू पुट ऑन एयर। पूरे सेंटेंस में अगर आपको किसी भी पार्ट में ए बी सी डी चार पार्टों में ये ब्रेक कर दिया है, किस पार्ट में एरर है वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। अगर कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी को चूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसका हिंदी में मीनिंग ये होगा कि अच्छी चीज नहीं है कि हम हमेशा घमंड दिखाएं, ये बात अच्छी नहीं है कि हम हमेशा घमंड दिखाएं, तो इसका मीनिंग तो ये निकला। ठीक है, तो यहाँ पे पुट ऑन एयर कभी नहीं होता, ठीक है, पुट ऑन एयर्स होता है, यहाँ पे एस लगेगा। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है घमंड दिखाना। यहाँ पे जो एयर दिया गया है ये एयर दिया गया एटमोस्फेयर वाला, वातावरण वाला, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, तो यहाँ पे एयर्स आएगा। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है घमंड दिखाना। तो पार्ट सी में हमारे पास क्या मिल गया हमको, एरर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको, पुट ऑन एयर्स का मतलब क्या होता है, घमंड दिखाना। यहाँ पे आप एस लगाएंगे,
और आगे बढ़ेंगे अपने एग्जाम में अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आई प्रिफर रीडिंग गुड बुक्स देन स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। अगर कोई एरर पूरे पार्ट में नहीं है तो आप ये आंसर चूज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी इस चैनल्स के एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि जो इस चैनल पे डेली विजिट कर रहे हैं और एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके ध्यान से देख रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा एक्टिव सब्सक्राइबर। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं कि सब्सक्राइबर कर लिया, भूल गए, जब टाइम मिला दर्शन कर लिए चैनल के, 2-3 मिनट के वीडियो देख लिए, क्लोज करा, अपने काम में चल दिए, तो वो लोग एग्जाम के प्रति सीरियस नहीं है। और जो लोग सीरियस है ना, उसको ये आंसर आता होगा, क्योंकि मैंने स्पॉटिंग एरर में ये रूल आपको बता रखा है, कई बार 2 से 3 बार मैं क्लियर कर चुका हूँ। स्पॉटिंग एरर वाले पार्ट में आप जाइए, आपको याद आ जाएगा। इस वीडियो को अभी पॉज करिए, अपना आंसर निकालिए पहले क्या है। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, मैं उसको आंसर बताऊंगा, चिंता मत करिए बच्चों। देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो रूल हो रहा है वो अप्लाई होगा इसके अकॉर्डिंग, प्रीफेयर के अकॉर्डिंग। देखियो यहाँ पे प्रीफर के बाद कभी भी देन नहीं लगता है, प्रीफर के बाद कभी भी देन नहीं आएगा, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए टू। यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका टू, तो पार्ट बी में क्या है हमारा, एरर होगा। तो इस तरह से आप बच्चों थोड़े नोट्स बनाइए अपने साइड में, लिखिए प्रेफर के बाद कभी भी देन नहीं आता है, टू आता है, या आप लिख लीजिए नोट्स में प्रेफर फिर लिखिए आगे हमेशा टू आता है। तो ये प्रेफर के जस्ट बाद नहीं होगा, थोड़ा सा सेंटेंस के दूर भी अगर होता है तो भी ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज नॉट कंटेंट ऑफ व्हाट ही हैज, और पार्ट डी है हमारा नो एरर। बच्चों देखो जो होता है कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, और एक होता है कंटेंट, कंटेंट जो हम अपने बुक में देखते हैं उसका मतलब होता है विषय सूची, कि इसमें कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसके बाद हम हमेशा विद का यूज करते हैं, तो कंटेंट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। इस पार्ट बी के साथ में क्या आएगा, विद आएगा। तो पार्ट बी में क्या था हमारे पास, एरर था। देखिए काफी बेसिक रूल है, रियल में ये काफी बेसिक रूल है, शुरुआत में अगर आपको नहीं आते, डर लग रहा होगा, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको ये मॉक टेस्ट कहा था कि एक पौधे के समान है, छोटा सा पौधा मैं आपके हाथ में रख रहा हूँ एज ए मॉक टेस्ट के रूप में। अब आप इसको किस तरह से संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और वक्त आने पर आपको ये पौधा एक पेड़ में कन्वर्ट करना है, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो नॉलेज का पेड़ तुम्हारे पास होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तैयारी अच्छी होगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, मैक्सिमम टाइम जो काम जरूरी नहीं है उस पर लगाएंगे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि तफरी बहुत करते हैं, यहाँ वहाँ घूमने चले गए तो उसके साथ में कोई काम नहीं है, कभी यहाँ बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं, फॉर्म तो भर दिया, क्या नंबर ऐसे आएगा? आपको लगता है बच्चों नंबर आएगा ऐसे? क्या नंबर आना चाहिए? ईमानदारी से अपने आप से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत कुछ नहीं है, वक्त कुछ नहीं बोलेगा, वक्त केवल करके दिखाएगा। वो कैसे करके दिखाएगा, आप जैसा बीज बोओगे अपने साथ में, जैसे पौधे की देख रेख करोगे, वैसा ही वो आपको फल देगा। या तो शुरुआत में इस मॉक टेस्ट को यही मार दो, मतलब इस चैनल पे आप कुछ मत करो, देखो अभी क्लोज कर दो, ये पौधा आपने अपने हाथ से दफन कर दिया, या उसको ढंग से रोपो। दफन करने में और रोपने में फर्क होता है, रोपने के बाद में उसको इंतजार होता है कि कब ये पेड़ बनेगा, दफन करने के बाद में क्या होता है कि। चलिए बहुत ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे आपका पार्ट बी में एरर है, तो यहाँ पे भी जाएगा ऑफ का यूज नहीं होगा। और डायरेक्ट हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ही सा दैट द क्लॉक हैज स्टॉप्ड, पार्ट डी आ गया और नो एरर। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है, देखो यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा, उसने बाद में देखा, उसके देखने से पहले वो काम हो चुका था, मतलब घड़ी बंद हो चुकी थी,
तो यहाँ पे क्या पार्ट बी मतलब पास्ट की बात कर रहा है पूरे सेंटेंस में, ठीक है। सी सा सीन, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप्ड डी आ गया, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हैज की जगह पर क्या होगा, हैड का इस्तेमाल होगा, एच ए डी हैड, यहाँ पर हैड का इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इंडिया इज इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 69 ईयर्स। ये क्वेश्चंस भी काफी अच्छा क्वेश्चंस है बच्चों, और ये क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं कराया बट ऐसा रूल मैं आपको बता रखा है। यहाँ पे जो रूल अप्लाई हो रहा है वो सिंस और फोर वाला रूल अप्लाई होगा। सिंस आए तब क्या होगा, फोर आए तब क्या होगा, ठीक है। दोनों का यूज कैसे करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया था उस क्वेश्चन में, तो काफी बच्चे इसका आंसर निकाल चुके होंगे। आई होप कि आपका सही आंसर होगा मेरे आंसर से। तो ये रूल भी आपको मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे न्यू एस्पिरेंट हैं, न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि सिंस या फोर का यूज हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं मतलब यहाँ पे बीन का यूज होगा, यहाँ पे हैज बीन का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोलता हैज बीन बोलता है कि हैज बीन का इस्तेमाल ऐसे केस में होता है, ठीक है। तो जो पार्ट ए है, तो पार्ट ए में हम बोलेंगे इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 69 ईयर्स। तो स्पॉटिंग एरर पार्ट ए यहाँ पर क्या है, ये गलत है। इच की जगह पर क्या आएगा, हैज बीन का यूज होगा। और बच्चों इस तरह से ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है द विलेजर्स डैश, डैश का मतलब फिलर्स। हमको चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमको इसमें फिल करना है और इस पूरे सेंटेंस को एक सही अर्थ, एक सही मीनिंग देना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, द विलेजर्स डैश द डेथ ऑफ देयर लीडर्स बाय कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज्ड। गांव के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर कर, ठीक है, अपना शोक प्रकट करा। शोक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे काम आएगी आपकी वोकैब। तो वोकैब पे आप बच्चों पूरा ध्यान देना, मैं वोकैब वोकैब बहुत बोलता हूँ कि पूरा फोकस करो। पब्लिकेशंस जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है वोकैब की राजेश्वरी के नाम से, वो आपको मैं टॉप में दिखा दूंगा। अभी जब वीडियो का एंड होगा तो आपको प्ले लिस्ट दिखाई दिखेगी, उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे, वहां से आप लोग वोकैब को याद कर लेना। स्टार्टिंग है, एक दो वीडियो थोड़े से फेड है, क्वालिटी सही नहीं है, बट 3 के बाद जितने भी वीडियो हैं, 20 वीडियो मैंने बना रखे हैं टोटल उसमें, तो आप वो सब याद कर लीजिएगा। देखो फाइनल बात ये है, देखो शोक जो शोक होता है, जो दुख प्रकट करने को हम बोलते हैं मोर्न, MOURN। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, द विलेजर्स मॉर्न द डेथ ऑफ देयर लीडर्स बाय कीपिंग ऑल द शॉप क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 22, यू डैश हैव थैंक्ड हिम फॉर हिज डेथ डैश हेल्प। तो यहाँ पे क्या, हमको दो फिलअप दिए हैं, दो फिलर्स हमको यहाँ पे फिल करने हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, कौन सा कहाँ पे आएगा, टाइम टाइमली नीडफुल या फिर ग्रेट। तो ये कोई एक ऑप्शन हमको इसमें फिल करना है, यू मस्ट आएगा, फिर यहाँ पे टाइम आएगा तब पूरे सेंटेंस का सही अर्थ बनेगा, या फिर शुड आएगा, या यहाँ पे टाइमली आएगा, तब जाके पूरा सेंटेंस हमारा राइट होगा, ठीक है। तो सीजीएल में भी क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन देता है, और आपके एमटीएस में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा है, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी है। सेंटेंस में वो हमसे कह रहा है कि आपको उसकी मदद के लिए, उसने जो आपकी मदद करी उसके लिए आपको थैंक्स करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा शुड का प्रयोग होगा पहली बात, तो सबसे पहले जो प्रयोग होगा वो होगा शुड का। तो शुड कहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। यू शुड हैव थैंक्ड हिम फॉर हिज
टाइमली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वुमेन सेफ्टी वाज द की डैश बिहाइंड द बिग पुश फॉर सैनिटेशन इन द विलेज। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन की बात कर रहा है। वुमेन सेफ्टी क्या है, एक अभियान की बात करने कर रहा है। और अभियान क्या होता है, हमेशा चलाया जाता है। वो अभियान चलाया गया, वो प्लान चलाया गया, वो प्लान इम्प्लीमेंट करा गया वुमेन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से चलाने का सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ड्राइवर, ड्राइव, ठीक है। देखो जो इशू का मतलब होता है, इशू को जो हम जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं प्रॉब्लम से, ठीक है ना। वहां पे उस कंपनी में एक इशू आ रहा है कि वहां पे काम अधिक है, एम्प्लॉयज कम है, तो यहाँ पे क्या समस्या है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे इशू का यूज हो गया। तो या वुमेन सेफ्टी को लेकर के हम लोग ड्राइवर का यूज करेंगे, ऑप्शन ई जो होगा, सॉरी ए बी सी, ये जो ऑप्शन होगा ड्राइवर, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है, सीन्स डैश ऑन मैंगो ट्री इज ए वेरी सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। अब मुझे जरा एक चीज बताइए, सेंटेंस को आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने लंबे सेंटेंस को आप देखेंगे आप डर जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी स्मार्ट स्किल्स अभी काम आएगी, यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल काम आएगा। तो पहली बात तो भी क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या क्या रहा है, हमारा पूरा सेंस जो निकल रहा है, पूरा जो मीनिंग यहीं से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो है ना वेरी सेंसिटिव पीरियड, सेंसिटिव जो पीरियड होता है वो क्या होता है, काफी कोमल समय, ठीक है। और कोमल समय जो होता है मैंगो ट्री के लिए या किसी भी ट्री के लिए कौन सा होता है, जब वो क्या करता है, जब वो बड़ा होता है, थोड़ा सा ग्रो करता है, ठीक है। जब ग्रो करेगा उस टाइम पे, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा होता है उसको ग्रो करते समय उसका पीरियड क्या होता है, जब वो 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, तो वो उसके लिए क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है। बहुत ज्यादा चलना उसको नहीं आता, बोलना उसको नहीं आता, अपनी तकलीफ को वो बता नहीं सकता ढंग से, उसको सोना नहीं आता, ठीक है ना। जो भी सुसु पोटी वगैरह जो छोटी छोटी चीजें होती है, तो वो सब उसके लिए क्या है, ये जो फेज है उस बच्चे का, जब तक वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तब तक उसका पीरियड क्या है, सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। तो मैंगो ट्री सेंसिटिव पीरियड, तो क्या होगा, फ्लावरिंग, जब वो क्या होगा, फ्लावर करेगा, फ्लावर मतलब खिलेगा या ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी। और आपका ये जो प्रूनिंग होता है ना, प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब होता है जब हम ब्रांचेस को, जो उसकी शाखाएं होती है उसको काटते हैं, ठीक है। और जो टावर का मतलब होता है, ये टावरिंग, टावरिंग का मतलब होता है टावर, टावर का मतलब लंबा चौड़ा, ठीक है ना। मतलब कि जियो के टावर काफी ऊंचे होते हैं, आइडिया के टावर काफी ऊंचे होते हैं, तो उस टावर से इस टावर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वाशिंग का मतलब धोना, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 को आप रीड करिए, क्वेश्चंस काफी लेंथी है, ठीक है, रीड मैं भी कर सकता हूँ, बट आप रीड करिए, थोड़ा फोकस करिए इस पे और डरना मत प्लीज इस क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए यहाँ पर, चलो मैं आपको बताता हूँ, आप कष्ट मत करो पढ़ने का, ज्यादा पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे ना, पढ़ना पड़ेगा बच्चों एग्जाम में। देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्टील प्राइजेस जिनके दाम लास्ट ईयर में बढ़ रहे थे, ठीक है, उन्हें ऑटो इंडस्ट्रीज की बैकबोन को डैश कर दिया गया। बैकबोन को हम क्या करते हैं भाई, वो क्या है, वो पूरे घर की बैकबोन है। घर की बैकबोन क्या होते हैं दादा, कंपनी के बैकबोन क्या होते हैं, वहां के एम्प्लॉयज, ठीक है। बैकबोन के साथ हमेशा ब्रेक का यूज करा जाता है, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोकन, ठीक है। ये क्या है, यहां पर ब्रोकन जो है ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। तो यहाँ पे आप राइट आंसर लगाएंगे सी अपना। इसी क्वेश्चंस के साथ बच्चों ये 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए यहाँ पर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे, ध्यान से आप देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को आप याद करेंगे, रूल्स को याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस को याद मत करना, रूल्स को याद करना, क्योंकि कभी कभी वो लोग शायद कुछ सेंटेंस में हेर फेर कर सकते हैं, तो ईमानदारी से पूरा रिपीट करना है इसको, रिवाइज करना है इसके नोट्स को।
और अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी अच्छा था, आपको लगता था कि इंग्लिश के ये क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करें, तो आप अपना फीडबैक यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 18 to 25 के बीच में है, आपकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, हाई चांसेस है आपके। अगर आपके 16 से 18 के बीच में क्वेश्चन सही थे तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, वेरी गुड चांसेस हैं। तो 15 से 18 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस राइट होते हैं तो वेरी गुड है, गुड बट प्रैक्टिस सही तो है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की और आवश्यकता है। अगर आपके 10 में से 15 के बीच में आपके राइट आंसर हैं तो बिलो एवरेज है, प्रैक्टिस हार्ड करिए। अगर आपके 10 से भी कम नंबर हैं, इस 25 क्वेश्चंस में से 10 में से भी कम नंबर है, तो आपकी कंडीशंस पुअर है। लर्न कंसेप्ट, पहले रूल को पढ़िए, उसके बाद में प्रैक्टिस करिए बहुत ही तरीके से, बड़े ध्यान से, ठीक है। ये आपका फीडबैक था, आपका रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में है, आप जज करिए अपने आप को कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाइए और तैयारी में लग जाइए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। इस पेड़ की देखरेख, इस मॉक टेस्ट की देखरेख अब आपके हाथ में है। आपको लगता है कि वन टाइम क्लिक करके, वन टाइम वीडियो वॉच करके मैंने पढ़ लिया सब कुछ याद हो गया, कुछ लेवल खास नहीं था इसका, तो बात अलग है। लेकिन लेवल इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में 4 से अधिक बार पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो आपके एग्जाम में 2010 के बाद में 4 बार पूछे गए हैं, 11, 12, 13, 14। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए आएंगे या फिर नहीं आएंगे, पेपर कैसे सेट होगा वो आप देखिए। आप अगर फर्स्ट टाइम में लगा कि ठीक है बिगिनर है, आपको नॉलेज इसके मामले में बहुत अधिक है, तो आपको जैसे बेस्ट लगता है वैसे करिए, ठीक है। मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपको टोकूंगा नहीं, बट ध्यान से पढ़िए, सेलेक्ट हो जाइए कहीं पे जल्द से जल्द, वक्त बहुत कम है। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा कंपटीशन से आपका लेवल बहुत अधिक बढ़ने वाला है, कट ऑफ अधिक जाने वाली है, वो सब बातें आप जानते ही हैं, इतना मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो बच्चों, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको एग्जाम में इससे मदद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है पक्का। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम। क्लिक द रेड बटन फॉर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करिए, रेड बटन पे क्लिक करिए, आप डिसाइड करें, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा सब्सक्राइब करना हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्टिव तरीके से स्टडी करने वाला स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। रोज आपको एक नए वीडियो मिलेंगे, इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप रेगुलर उसको वॉच करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों, तभी नंबर आएगा। हमने इस 47 मिनट में, आज देखिए टाइम कितना हो गया, 47 मिनट प्लस हो गया वीडियो का, तो हमने इतने समय में केवल 25 क्वेश्चन करे। जी हाँ, पढ़ाई क्वांटिटी में नहीं होती है, पढ़ाई होती है क्वालिटी से। आप क्वालिटी मेंटेन करिए, आप घंटे घंटे भर तक किताब खोल के बैठे पड़े हैं, कुछ माइंड में जा नहीं रहा है, तो वो घंटे से पढ़ाई नहीं होती है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। 1 घंटे में अगर आपने 25 क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपको तो आपका आज का दिन वसूल हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, किताबों का ढेर मत लगाओ, क्योंकि किताबों का ढेर लगाने से क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने वीडियोस डाउनलोड करके वीडियो का ढेर मत लगाओ, अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर एक वीडियो को पकड़ लो, ढंग से उसके पीछे पड़ जाओ, 2-3 बार उस वीडियो को वॉच करो, एक एक रूल्स को लिखो, ढंग से रूल्स को याद करो, तो आपका सिलेक्शंस पक्का होगा, ठीक है बच्चों। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, लेता हूँ आपसे अलविदा। ये आपको दिखाई दे रही है प्लेलिस्ट, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं वॉच हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप राजेश्वरी पब्लिकेशंस के लिए वॉकऐप होगा, वॉकऐप को याद कर सकते हैं, निमोनिक मेथड के द्वारा बताया गया है उसमें, और ग्रामर के रूल्स जितने भी हैं, ये आपका एमटीएस का एसएससी, सॉरी के एसएससी की प्लेलिस्ट होगी, वहां से आप सारे वीडियो के रूल्स देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश के। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।